15 अगस्त को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लोगों में एक जोश था। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन करीब 7-8 सालों से जागरण का काम कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी इनके मंचों पर जाया करता हूं, इनके कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। मेरा इतना ही निवेदन है कि आज देश का जो हालात है, आए हुए थे एक दिन पहले, कल से 2 दिन चाइना के राष्ट्रपति भारत में, 78 में भारत का और चाइना का जीडीपी, और आज का भारत और चाइना का जीडीपी, दोनों में अंतर। 79 में चाइना ने एक बड़े कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ऐसा कानून बनाया कि आज 79 से लेके अब तक लगभग कुछ अनुमान है कि 50 से 60 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम हुए। जब आबादी रुकती है, संसाधन बढ़ते हैं, तो विकास की गति बढ़ती है। भारत की विस्फोटक स्थिति चाइना से अगर हम तुलना करें, चाइना में और हमारी जीडीपी दोनों में अंतर है। चाइना की आबादी, हमारी आबादी लगभग हम बराबर पे पहुंच गए हैं। चाइना में एक मिनट में लगभग 29 से 33 बच्चे हो रहे हैं। माननीय इंद्रेश जी आ गए हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। चाइना एक मिनट में 29 से 33 बच्चे, भारत एक मिनट में 29 से 33 बच्चे, चाइना एक मिनट में 9 से 11 बच्चे। हमारी आबादी उनकी आबादी लगभग बराबर, हमारे संसाधन उनके संसाधन का बहुत अंतर। इसे जात से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे वोट से भी जोड़ने की जरूरत नहीं। इसे अगर जोड़नी है तो भारत के विकास से जोड़नी है, इसे अगर जोड़नी है तो भारत की रोजगारी से जोड़नी है, अगर इसे जोड़नी है तो भारत में अस्पतालों में अधिसंख्यक लोगों को लाभ मिले, इससे जोड़नी है। मैं यही निवेदन, यही प्रार्थना यहाँ जो जितने भी, मैं इन्हें आंदोलनकारी कहूँ, इन्हें सत्याग्रही कहूँ, इन्हें देश के दीवाने कहूँ, इन्हें देश के लिए मर मिटने वाला कहूँ, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग को राजनीति हम देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई चुनाव में खड़े होने वाले नहीं। इनके अंदर पीड़ा है। जब मैं अमरोहा जिले से लेकर के बागपत जिले तक का दौरा कर रहा था, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से गांव के लोग परेशान हैं। गांव में जो आबादी बढ़ रही है और घट रही है, ये दोनों आबादी समाज के लिए चिंताजनक की आबादी है। आज देश के अंदर सीरिया में घटना घटी थी, सीरिया में जब रक्तपात साल भर पहले, तो मैंने देखा था एक बच्चे का लाश समुद्र के किनारे और पूरी दुनिया में वो लाश। आज हमारे दीपांकर जी महाराज कह रहे थे, उस लाश को देख करके मेरे मन में और दुनिया के मन में पीड़ा हुई थी। लेकिन भारत के अंदर जब मुर्शिदाबाद में
एक ही परिवार के छोटे बच्चे से लेकर के मां और पिताजी की हत्या होती है रोक करके, तो मीडिया में केवल 100 न्यूजों में उसकी एक न्यूज वो भी हो, किसी ने नहीं चढ़ाया, उस पर डिबेट नहीं हुआ, किसी के दिल में उसके प्रति ममत्व नहीं जागा। आज मैं यही कहके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मैं यही कह रहा हूं, ये जनसंख्या एक तरह भारत के विकास के लिए बाधक है। जब विकास के बाधक की बात करता हूं, तो 98 की कहानी सुनाता हूं कि 98 में इस दिल्ली में मेट्रो के लोग थे, खुश थे कि अब दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, मैं भी जापान की तरह एक्सप्रेस फ्री ट्रेवल करूंगा। लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी को देखना है तो मेट्रो ट्रेन में पीक न जाओ, तो आबादी बढ़ती हुई आबादी वो भीड़ आपको चढ़ा देती है ट्रेन में और फिर धक्के मार के उतार देती है। अगर डब्बे बंद हो जाए, ये गुरु रामदेव बाबा रहे या ना रहे, एक दूसरे के शरीर पर खरेसरी योग करते हुए हम दिखाई देते हैं। फिर भी लोग पूछते हैं ये जनसंख्या पर क्यों ऐसी बातों को बोल रहे हैं। मैं कहता हूं ये जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि भारत के विकास, हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे संसाधन इसलिए सीमित हैं। आप देखें जब 4 लेन की सड़कें दिल्ली से पास होती है तो उसको बनते 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 जब कमीशन होता है उस पर 8 1 लेन की आबादी चढ़ जाती है। जब गांव में स्कूल 2 कमरे आबादी के आधार पर बनने को होते हैं तो दिल्ली से राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से गांव की ओर जाता है और गांव में बनते बनते उस पर 4 कमरे का दबाव बढ़ जाता है। अस्पताल में जाओ वही बढ़ती हुई आबादी, इसलिए देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहिए और सामाजिक समरसता के लिए भी ये कानून चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनिल जी और ममता जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को और संतों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि संतों ने आमरण अनशन किया, संतों ने पैदल यात्रा की, गृहस्थों ने, मजदूरों ने, लोगों ने, हमने, आपने, ये आंदोलन जन जागरूकता के लिए आंदोलन है।